लेसन क्या निकाला है मियां साहब को छोड़ दो, यानी यानी ये क्या गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे। ओ जी यहाँ पर हम ओ मियां साहब अंदर हो, मियां साहब बाहर हो, छोड़ दो ना मलंग साहब, जो क्या बातें कर रहे हैं, क्या बुराई है, मलंग साहब कश्मीर पे, आप कश्मीर पे आप जो है वो अपने जाति से नहीं। कादी साहब एक मिनट आप रखे, मलंग जैसे फिलासफरों ने ना इस मुल्क को ना धकेल दिया मम्मी डैडी लीड क्लास पे, वो कह रहे हैं हाँ क्या बुराई है इसको छोड़ दो। हाँ। जो हमें इकॉनमी हमारी तबाह इस हालत में पहुंचे जिनकी वजह से 70 साल जिन्होंने गिद्धों को उस मुल्क को लूटा है, आज हम अमेरिका की बता रहे हैं, सऊदी अरब की बता रहे हैं एक्सपोर्ट क्या है, तो कह रहे हैं उनको छोड़ दो, और फिर कल को कहोगे कश्मीर को छोड़ दो, फिर कहोगे पाकिस्तान का जो अपना कश्मीर है इधर इंडिया आ रहा है इसको भी छोड़ दो, फिर वो इधर लाहौर दाखिल हो जाते हैं छोड़ दो, तो इससे पहले खुदकुशी ना कर ले। अगर हमने अपने मुसलमान भाइयों की वो सियासत कुछ कर ही नहीं सकते उनके पाकिस्तान की जो चले सुने आप मियां साहब के अंदर जाना, आप आपकी बात में भी वजन है नहीं, लॉजिक है, पूरी मुल्क दुनिया में जंग है, मियां साहब को भी छोड़ देते हैं, जरदारी को भी, लेकिन आगे बॉर्डर पे इंडिया के साथ में इनके साथ एटम बम बांधते हैं, इनको हल्का सा धक्का देते हैं, मियां साहब जाओ जरा मोदी के घर जरा शुक्रिया अदा करके आओ, तो पीछे से स्विच दबा देते हैं। ये तो खैर एक मजाक है, तो मजाक नहीं है भाई, क्यों छोड़े जेलों से, क्यों छोड़े भट्टी साहब, दो साल से जब नहीं, जो आज 3 जवान शहीद हुए हैं उनकी कोई मां नहीं थी, वो एलओसी पे क्यों शहीद हुए हैं, छोड़ दो मियां साहब को जेल उधर, मियां साहब कहीं से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा, आपसे सवाल है भट्टी साहब, मुझे सिर्फ एक फिक्र।